दिमाग का प्रॉब्लम है अभिजीत। करता पहले। तो फाइनली फैंस को जिस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था, ये फिल्म फाइनली आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों बढ़िया बात तो ये है, पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि भाई औरों में कहां दम था फिल्म को खूब तारीफें मिल रही हैं, फिल्म को 4.5 स्टार मिले हैं। और मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर औरों में कहां दम था अपने पहले दिन भले ही कम ओपनिंग ले, लेकिन अगर फिल्म को तारीफें मिलती हैं तो अजय देवगन की फिल्में लंबे टाइम तक सिनेमाघरों में चलती हैं। दृश्यम 2 आपने देखी होगी, शैतान भी आपने देखी होगी, और अब बारी है औरों में कहां दम था फिल्म का। तो फाइनली आज ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, फिल्म का सिनेमाघरों में पहला दिन है। तो इस वीडियो में डिटेल्स के साथ आपके साथ बात करने वाले हैं कि फिल्म आज अपने पहले दिन इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर रही है, वहीं फिल्म का जो आज पूरे वर्ल्ड में टोटल कलेक्शन रहेगा वो कितना रहेगा, और साथ ही साथ बात करने वाले हैं आज फिल्म ने अपने फर्स्ट डे के लिए कितनी एडवांस बुकिंग की है। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म औरों में कहां दम था की, तो बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थी ये फिल्म। हालांकि इस फिल्म को 5 जुलाई को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन कल्कि का तूफान चल रहा था, तो इसलिए फिल्म के मेकर्स ने औरों में कहां दम था की रिलीज डेट को 2 अगस्त तक के लिए स्थापित कर दिया था। अब फाइनली ये फिल्म 2 अगस्त को यानी कि आज रिलीज़ हो चुकी है सिनेमाघरों में, और ये एक हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक लव स्टोरी थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया है शीतल भाटिया ने, और फिल्म में हमें अजय देवगन, तब्बू, जिम्मी शेरगिल और साई मैजिक अहम किरदारों में नज़र आ रहे हैं। फिल्म के अभी कुछ दिन पहले ही कुछ गाने रिलीज किए गए थे जिनको आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिला है, फिल्म के ट्रेलर को भी शानदार रिस्पॉन्स मिला था, और यही वजह है कि फिल्म का फैंस को बहुत ज़्यादा इंतजार था। और अब जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है तो फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा ने 250 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा फिल्म औरों में कहां दम था अपने पहले दिन कमाई कर रही है। तो बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने जो एडवांस बुकिंग की है तो ऑल इंडिया टोटल जो एडवांस बुकिंग है फिल्म की वो लगभग 50 लाख की हुई है। अगर हम विदाउट ब्लॉक सीट की बात करें तो फिल्म ने 1.25 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की है। दोस्तों फिल्म औरों में कहां दम था को उतना अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा है, मतलब ज़्यादातर शोज आज मॉर्निंग के तो उतने ज़्यादा हाउसफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आज वर्किंग डे है, वर्किंग डे पर यह फिल्म रिलीज हुई है, और ज़्यादातर फिल्में वर्किंग डे पर अगर रिलीज होती हैं तो उतनी ज़्यादा जो है पहले दिन की कमाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सैटरडे संडे आता है, और सबसे ज़्यादा तो संडे के दिन में जो है हर कोई फिल्म अच्छी खासी कमाई करती है, चाहे वो बॉलीवुड की हो या फिर साउथ की या फिर हॉलीवुड की, कोई भी फिल्म हो वो संडे में जो है ज़्यादातर कलेक्शन करती हैं। तो आज वर्किंग डे होने की वजह से फिल्म ने उतनी अच्छी ओपनिंग तो नहीं ली है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म संडे के दिन में अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। लेकिन पॉजिटिव बात यही है अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था के लिए कि फिल्म को अच्छे खासे रिव्यूज मिल रहे हैं, बढ़िया रिव्यूज मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, हर किसी को फिल्म पसंद आ रही है, और यहां तक कि फिल्म को 4.5 स्टार भी मिल चुके हैं। तो आज फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपये की ओपनिंग ले रही है। हालांकि मेरा अंदाज़ा था कि जिस तरह से एडवांस बुकिंग हो रही थी तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए की फिल्म एडवांस बुकिंग करेगी और 7 से 8 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी, लेकिन वहां तक तो ये फिल्म नहीं पहुंचेगी। लेकिन अब मेरा जो प्रेडिक्शन है फाइनली वो ये है कि आज अपने पहले दिन औरों में कहां दम था 4 से 4.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है। लेकिन देखो दोस्तों हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि भाई फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, हर किसी को फिल्म पसंद आ रही है, तो फिल्म का वीकेंड शानदार रहेगा। हो सकता है कि नाइट के शोज में हमें आज काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखने को मिले, लेकिन कल सैटरडे और संडे पूरी तरह से हाउसफुल रहने वाला है। और भाई हम कहते हैं कि यह अजय देवगन की फिल्म के लिए बढ़िया बात है, फिल्म का बजट उतना ज़्यादा नहीं है, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपरहिट होने के लिए 70 से 80 करोड़ रुपये कमाने हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि लोग किस तरह से इस फिल्म को पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख ली है औरों में कहां दम था, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।